सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपको 120 प्लस स्कोर करना है एग्ज़ाम में तो हमेशा अप्रोच आपका ऐसा रहना चाहिए कि आप पेन कम उठाओ और माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है, जो इवन NTPC CBT 2 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत बार SSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको एग्ज़ाम में दिख सकता है। क्वेश्चन ये है, पहले आप क्वेश्चन आप खुद देख लो, ठीक है, उसके बाद खुद से आपको ट्राई करना है और उसके बाद इस क्वेश्चंस को दिमाग से कैसे सॉल्व करना है वो आप इस वीडियो में देखोगे। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर लेना है, लिंक नीचे है, हमसे जुड़ सकते हो, अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो कंबाइंड बैच में, ठीक है। देखो, दो बसेस बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू होती है। बस टर्मिनल की ओर विपरीत दिशा से आने वाले व्यक्ति की गति क्या है अगर उसे 8 मिनट के अंतराल पर बसों के मिलना है, ठीक है, उसे बसों से मिलना है, मतलब 8 मिनट के बाद वो बस से मिल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है, कि कोई एक बस स्टेशन है, ठीक है, बस स्टेशन है, ठीक है, और यहाँ से कोई एक बस खुलता है, ठीक है, जो हर 15 मिनट के बाद ये बस खुलता है, जिसका जो स्पीड जो दिया हुआ है वो 30 किलोमीटर दिया है, ठीक है। और यहाँ अगर आप बस यहाँ से खुल रहा है और बस स्टेशन यहाँ है, तो अगर आप यहीं खड़े रहते हो तो हर 15 मिनट में आपको यहाँ क्या होगा, सॉरी, हर 10 मिनट में आपको यहाँ बस मिल जाएगा। बट कंडीशन ये है कि एक आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन से बस स्टैंड की तरफ, जहाँ से बस टर्मिनल खुलता है, मतलब जहाँ से खुलता है उसके तरफ बढ़ता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, उसको 10 मिनट के बदले वो 8 मिनट में ही बस मिल जाता है, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आ रही? तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इसको मैं थोड़ा और अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ अच्छे से, तो ये देखिए, ये है आपका आदमी, ठीक है, और ये है आपका बस, ठीक है। तो अगर आदमी ये यहाँ ही रहता और आगे वो चल के नहीं आता, ठीक है, ये है आपका बस टर्मिनल, ये है आपका यहाँ बस स्टैंड, जो जहाँ बस जाके रुकेगी, तो बस यहाँ से यहाँ आ जाता आपका कितना, 10 मिनट में आ जाता, ठीक है, 10 मिनट में आ जाता, सही है। बट ये आदमी जो होता है वो भी बस टर्मिनल की तरफ चलने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, बस इसको 8 मिनट में ही मिल जाता है। तो सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि पूछा है, क्या पूछा है कि द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द बस टर्मिनल इफ़ ही मीट्स द बस एट द इंटरवल ऑफ 8 मिनट, ठीक है, तो उस बंदे का स्पीड कितना है, कि अगर वो बंदा बस टर्मिनल की तरफ चलता है और 8 मिनट के बाद बस से मिल जाता है तो उस बंदे का स्पीड कितना है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। अब ध्यान से समझना इसको आपको करना कैसे एग्ज़ाम्स में, ठीक है, एग्ज़ाम्स का हम बात करते हैं। आपको मैंने हमने आपको एक चीज़ सिखाई कि पूरा जो टाइम एंड स्पीड है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, समय और दूरी, स्पीड जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। अगर इस चीज़ को अगर आप समझ गए हो, छोटा सा फॉर्मूला, आप पूरे टाइम एंड डिस्टेंस को ओरली कर सकते हो, मतलब मुँह जवानी कर सकते हो। आप देखो कैसे, यहाँ है आपका बस, ठीक है, यहाँ मैंने बस ले लिया, ठीक है। अब देखो, हम एक चीज़ बताते हैं कि जब वो यहाँ से चला, आप ध्यान से समझ, जब वो यहाँ से चला, ठीक है, और वो यहाँ से चला, ठीक है, तो जितना अगर वो यहाँ से नहीं चलता तो वो 12 मिनट लग जाता, किसको, आपको बस को लग जाता, ठीक है, और बट वो क्या हुआ, वो चल लिया, यहाँ आ गया, तो बस को कितना लग गया, आपको 8 मिनट में उसको बस मिल गया। मतलब जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में किसको, बस को 2 मिनट लगता, उतना उसको जो व्यक्ति है उसको कितना लग रहा है, 8 मिनट लग रहा है। बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि अगर व्यक्ति यहीं खड़ा रहता तो ये जो बस जो है इसको 12 मिनट के बाद मिल जाता, बट वो क्या करता है, इतना जो दूरी है वो तय कर लेता है, जिसके कारण बस उसको कितने, 8 मिनट में ही मिल जाता है। तो आपका जो स्पेशल आपको यहाँ समझना है वो ये समझना है कि जो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये दोनों के लिए दूरी सेम हो गया है, जिस दूरी को बस को तय करने में, ठीक है, 2 मिनट लग, कितना लगता, 2 मिनट लगता, बट आदमी को कितना लगाए, तो 8 मिनट लगाए। क्यों, क्योंकि अगर आदमी यहीं रुके रहता तो क्या होता, 10 मिनट में इसको बस मिल जाता, बट आदमी यहाँ चलने लग गया, जिसमें के कारण इसको क्या हुआ,
8 मिनट के बाद बस मिला। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, आप इसको विद इन ए सेकेंड आप हम लोग कर सकते हैं। बस हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया आपका, क्या हो गया, यहाँ हम लोग लिखते हैं आपका टाइम लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ थोड़ा। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ अगर मैं टाइम लिखता हूँ, ठीक है, टाइम लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं बस, यहाँ मैन हो चाहे ओमेन हो कुछ भी दे सकता है। तो बस को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगता, 2 मिनट लगता, तो टाइम इसको 2 मिनट लिख देता हूँ। और इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल में करने में इसको कितना मिनट लगा, 8 मिनट लगा, तो यहाँ मैं 8 लिख देता हूँ। इसको अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है ये, तो क्या होगा, स्पीड के साथ इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो स्पीड का अगर मैं दोनों का रेशियो लिखूं तो ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट आ जाएगा आपका बस का स्पीड, और 1 यूनिट आ जाएगा आपका किसका स्पीड, ये आ जाएगा आपका किसका स्पीड, 1 यूनिट आ जाएगा आपका उस मैन का स्पीड, ओमेन का स्पीड, जिसका भी बोल लो। ठीक है, 4 यूनिट मुझे दिया हुआ है, कितना 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट मेरा कितना होगा ये आपको निकालना है। अब सिंपल से इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 7.5 आएगा। सर वो कैसे होगा, तो मैं बता देता हूँ। 4 यूनिट अगर आप 30 लिखते हो, ठीक है, तो आपका 1 यूनिट कितना होगा, आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर 30 नीचे आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया, क्योंकि 4 यूनिट मुझे ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको अगर आप करते हो तो ये आपका आ जाएगा 15, ये आ जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 15/2 7.5 किलोमीटर स्पीड के हिसाब से उसका जो चाल होगा, किसका चाल, ए मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द बस। ठीक है, जो व्यक्ति बस टर्मिनल की तरफ कितने 7.5 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा होगा। आशा करता हूँ चीज़ें आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल स्टडी हार्ड, जय हिंद।